हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं निकल चुका हूँ मथुरा वृंदावन के दर्शन के लिए। आज की जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ दर्शन करेंगे और आप लोगों के साथ साथ दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, आज इसमें नए वीडियो के साथ बने रहें, और जो भी इस वीडियो पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तो फ्रेंड्सों में वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। तो दोस्त, हम होटल पहुंच चुके हैं। सामने आपको होटल दिख रहा है, इसके बाद होटल में एंट्री कर चुके हैं। वाह, क्या मस्त है, बिल्कुल बढ़िया है होटल, एकदम सिंगल बेड्स हैं इसके अंदर, और जो दिख रहा है बिल्कुल सामने। इसके बाद आपको सामने दिखाएं तो एक अलमारी भी है, टेबल भी है, LCD भी है, साथ साथ मतलब कि सब कुछ बिल्कुल साफ और क्लीन है, जिस तरह से मैं बताऊँ आपको तो बिल्कुल क्लियर है। तो वैसा नहीं है, नो डाउट कि यहाँ क्लियर है, हम ठंडा के मौसम में आए हैं, बट AC भी उपलब्ध है, तो हमें AC की ज़रूरत है नहीं। अभी इस वक्त काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो आपको सामने ये दिखाते हैं कि बेड हैं, तो काफ़ी अच्छा बेड भी है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, देखो सामने विंडो है, चलिए मैं विंडो खोलता हूँ, देखता हूँ विंडो में कैसा व्यू दिख रहा है आप लोगों को, ये दिखाता हूँ। वाह, क्या मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो फाइनली हमने बहुत सर्च करके इसको होटल को बुक किया। बुक करने के बाद तो हमने काफ़ी होटल्स देखा, देखने के बाद हमें समझ में नहीं आया, बट ये हमें समझ में आया। उसके बाद देखें तो आपको बाथरूम कितना क्लीन है, देखें एक बार, बाथरूम बिल्कुल क्लीन है। तो हमने पता किया हॉट पानी की सुविधा है कि नहीं, होता है ये हॉट पानी सुविधा भी है, तो ठीक है, हमें सब कुछ यहाँ पे 700-800 में मिल रहा है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा और कहीं और देखने जाएं, क्योंकि हर तरह के होटल्स हैं, 5000 की होटल्स भी हैं, 2000 की, 1000, बट सबसे बेस्ट है ज़्यादा लग्जरी होटल नहीं कहें तो उसमें ये चलेगा कि दोनों काम आपका हो जाएगा, कम पैसे में आपका होटल भी बेस्ट मिल रहा है, साथ साथ रहने की सुविधा और सारे कुछ ही बिल्कुल अच्छा से मिल रहा है। और हम बात करें तो यहाँ पे होटल आपका 50 रुपये का, 100 रुपये का, धर्मशाला होता है उस तरह के मिल जाते हैं, बट वो कम्फर्टेबल फील ज़्यादा नहीं होता है। करने के बाद ना फिर आगे चलते हैं चंदे मंदिर के पास, अंदर घूमते हैं, इससे वगैरह अगरबत्ती कर लिए हम, उसके बाद फिर आगे चलते हैं आशी सड़क जीने चढ़ने। जो बनाने के सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से लोहा दे रखे हैं, उसके बाद बीच से आपको जाने का रास्ता है कि आप जा सकते हो आराम से। तो देख सकते हो किस तरह के लोग ये सारे हैं, ये जो पीछे ये पीछे आप देख रहे हो सारा कुछ है, और आगे भी है। तो ये है प्रेम मंदिर, जो कि रात्रि दर्शन कभी भी करने हैं, 38 सेकंड में इसका कलर चेंज होते रहता है। तो ये है माँ शेरावाली की गुफा, जो कि आपको उनकी गुफा दर्शन कर रहे हैं। सामने माँ शेरावाली की प्रतिमा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं वो सामने है, और कितना सुंदर दृश्य है माँ शेरावाली जी का दर्शन। आप लोगों को बार बार सूचित किया जा रहा है, पैन पर मोबाइल का विशेष ध्यान रखें। बंदर बहुत मुझे मजा आता है, बंदर को देखना है एक बार, कैसे बंदर क्या करते हैं, वो आएंगे अपना चश्मा फोन इन चीज़ों ध्यान रखें, क्योंकि ना क्या जैसे देखेंगे तुरंत देख के निकल उठ जाते हैं, ध्यान रखें। मजा लिया है तो ये बैंक के बिहार जी के यहाँ पहुंचे और माला लिए दर्शन के लिए, तो इसी के देखने से आराम से मैं बाकी काफी यहाँ भी दर्शन बना रखने वाले, जैसे माता रानी का। तो अपने जीवन पहुँच चुके हैं, कर चुके हैं गेट में, दोनों साइड में दुकानें हैं, दुकान से यहाँ दुकान है,
यहाँ से आप मांग ले सकते हो खरीद सकते हो खरीदने के लिए। तो सामने हमने जैसे खाता हूँ आपको सामने ये देखेंगे वृंदावन में ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हैं इनका दर्शन करना है, पर जो मुख्य जो मंदिर है वहाँ आप लोग मैं दर्शन करा रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये निधि वन है, निधि वन में राधा और कृष्ण की शाम के टाइम पे बैठ के अपना गुफ्तगू करते थे, इनके लिए प्रसिद्ध है, इनके लिए जाना जाते हैं, जो कि यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं मिलती है। निधि वन के से बहुत पुराना रश है, लोग कहते हैं 6 बजे के बाद ये बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये है निधि वन, निधि वन में जानते हैं आप सब में भी सभी लोग जानते हैं कि राधा और कृष्ण है, जो शाम के टाइम में कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, राधा उनकी बातों में सुन करके काफ़ी उनको अच्छा होता था। शाम के टाइम पे यहीं पे लोग बैठ करके अपना करते थे, उसी के एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में सभी जानते हैं। और यहाँ पे क्या है कैमरा अलाउड नहीं है मालूम, फिर हम आ चुके हैं के गली में, जितनी भीड़ है पब्लिक सुबह के 8 बज चुके हैं और जितनी भीड़ है कई गेट पर आती है सुबह सुबह मॉर्निंग, और इसलिए भी आज वीकेंड डे है तो वीकेंड डे में कुछ ज़्यादा ही प्रदेश प्रदर्शन नहीं बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको देखते आराम से दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये प्रेम मंदिर के अंदर का दृश्य है जो काफ़ी सुंदर लुभावक भावुक आपको दिख रहा है। देखने के बाद ये लग रहा है कि इस प्रेम मंदिर में आने के बाद आपका बिल्कुल भी जी नहीं करता है कि आप यहाँ जाओ, क्या आनंद आता है, क्या प्रेम की नगरी में आकर प्रेम के भावों में भावुक हो जाते हैं लोग, लगता है कि यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। खुद एक बार कभी आप लोगों को मौका मिले जरूर आएँ, दर्शन करें और देखें क्या बिल्कुल।